मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में एक बार फिर एसआरपीएफ द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। आज सुबह 50 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद आलम गुलाब पार्क मार्केट गए हुए थे। इसी दौरान एसआरपीएफ दुकानदारों से उनकी दुकानें बंद करवा रही थी। आपको बता दें कि सुबह 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक मार्केट लगाने का समय है और ये घटना 10 बजे के आसपास हुई है। मोहम्मद आलम ने बताया कि एसआरपीएफ दुकानदारों को मार रही थी और उनसे दुकानें बंद करवा रही थी। तभी उन्हें भी एक एसआरपीएफ के जवान ने उनके सिर पर लाठी मारना चाहा, मगर मोहम्मद आलम ने अपना हाथ ऊपर कर दिया और लाठी लगने की वजह से उनके हाथ के कलाई की हड्डी टूट गई। यहां तक कि एसआरपीएफ ने जिस लाठी से मारा था वो लाठी भी टूट गया है। इस घटना के बाद मार्केट में आई महिलाएं और पुरुषों में काफ़ी गुस्सा था। लोग सड़कों पर उतर कर रास्ता भी जाम कर दिए, मगर तभी मुंब्रा पुलिस के पीआई रामचंद्र वलतकर मौके पर पहुंच गए और लोगों को शांत कराकर हटा दिया। मोहम्मद आलम के कलाई की हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से वो दर्द से कराह रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें हाथ पर लकड़ी की पट्टी का सहारा देकर उन्हें बांधा और उसके बाद बुरहानी अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया, जहां उनके हाथ का एक्सरे किया गया, उसके बाद उनका प्लास्टर भी किया गया। मगर एसआरपीएफ के इस तरह के कई मामले अब तक मुंब्रा में सामने आ चुके हैं। जो समय मार्केट का दिया गया है, उस समय पर खरीदारी करने वाले लोगों की आखिर क्यों मारा जा रहा है? इसके अलावा मुंब्रा पुलिस ने कहा था कि अब एसआरपीएफ किसी को भी नहीं मारेगी और यहाँ तो एसआरपीएफ मार कर हाथी तोड़ दे रही है। पता हम वो रोड पे जा रहे थे केला और सेब लेने के लिए, अब उधर उधर भगदड़ मची, सब पब्लिक भाग रही थी, हम इधर आ रहे थे अपने रूम की तरफ और एक पुलिस वाले थे, उन्होंने ना पूछा ना कुछ मारना शुरू कर मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। हम आए थे कुछ जो है अपने मदद के सिलसिले में, लॉकडाउन में फंस गए, ना मेरा यहाँ कोई है भी नहीं, हम अकेले। इस तरह से मारकर हाथ तोड़ देने की घटना से लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला कि गुस्से में लोग सड़कों पर भी उतर गए। मगर वहीं मुंब्रा पुलिस का इस पूरे मामले में अपना अलग ही तर्क है। मुंब्रा पुलिस के पीआई रामचंद्र वलतकर और अफरोज गुल मुजावर ने बताया है कि एसआरपीएफ ने नहीं मारा है। दुकानदारों से दुकानदार बंद करवाने के वक्त लोग भागने लगे और इसी वजह से मोहम्मद आलम भी ज़मीन पर गिर पड़े और गिरने की वजह से उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। मगर वही मोहम्मद आलम का कहना है कि एसआरपीएफ द्वारा उन्हें मारा गया है, जिसकी वजह से उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की हम जांच करेंगे और जांच में ही पता चलेगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।